हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में जानेंगे। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से आज हम किसी पिक्टोरियल व्यू का, ये देखिए आप, ये है हमारे पास एक पिक्टोरियल व्यू जिसमें आपको लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसकी आपको लेंथ, विड्थ एंड हाइट गिवन है, जिसको आप कहते हैं पिक्टोरियल व्यू। क्या कहेंगे आप इस व्यू को? पिक्टोरियल व्यू को। आप पिक्टोरियल व्यू से देखिए इस ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे, यानी इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू आप ड्रॉ करेंगे इस वीडियो से। तो ये हो गया आपका पिक्टोरियल व्यू। तो आप देखिए, ये आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी देखिए कौन से मेथड से, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसको करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर रोलर है आपके पास, इस रोलर को आप क्या करेंगे इस प्रकार से, आप फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं यानी फ्रंट व्यू में आप क्या बनाएंगे, देखिए मैं साइड में आपको बता रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पर एक एक्स वाई लाइन सबसे पहले कंसीडर कर, पर आप देखिए आपने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे वर्टिकल प्लेन वी पी, जिसे आप फ्रंट व्यू कहते हैं, और इसके नीचे बनाएंगे टॉप व्यू, जिसको आप एच पी कहते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, ये हमारे ऑब्जेक्ट है, ये तो मैंने आपको स्मॉल व्यू में बताया। जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मैं क्या करूँगा, एक लाइन को इस प्रकार से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करूँगा सबसे पहले ड्रॉ करूँगा, और इस लाइन को नेमिंग दूंगा एक्स वाई लाइन। दिस लाइन विच आई ड्रॉन इज नोन एज एक्स वाई लाइन। जिस लाइन को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसको आप कहते हैं एक्स वाई लाइन। देखिए एक्स एंड वाई मैंने इसको यहाँ पर नेम दिया। आपको पता है फ्रंट, जब आप यहाँ पर व्यू बनाएंगे तो एक्स वाई लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, और जो टॉप व्यू है वो आप ड्रॉ करेंगे इसके बिलो, एक्स वाई लाइन के बिलो। तो आप यहाँ पर देखिए फ्रंट व्यू से जब आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, देखिए जहाँ पर एक्स डायरेक्शन लिखा हुआ है, यही फ्रंट व्यू है, यही क्या है आपका फ्रंट है। देखिए अब आप यहाँ से इसको देखिए, अब आप यहाँ से आप इसे देखेंगे तो आपको कितनी, देखिए फर्स्ट जब आप इसको फ्रंट व्यू से देखते हैं तो केवल आपको दो डायमेंशन यहाँ पर दिखाई देंगी, लेंथ एंड हाइट, दो चीज़ दिखाई देंगी जो मैंने आपको बताया, लेंथ और हाइट। कहाँ से? फ्रंट से। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 100 इसकी लेंथ है, तो आप कितने की लेंथ ले लेंगे, 100 की यहाँ पर लेंथ ले लीजिए इस प्रकार से, इस एक्स वाई लाइन से ऊपर आप लेंगे इस प्रकार से। यहाँ देखिए मैं कितने की लाइन ले लेता हूँ, 10 की, देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर लूँगा, यहाँ देखिए 10 की मैंने यहाँ पर लाइन ले ली है। अब आप यहाँ पर देखिए, आपने लेंथ ले ली, हाइट कितनी आप इसको देंगे, देखिए हाइट आप इसको देंगे, देखिए हाइट आपको यहाँ से पता नहीं चल रही है, आपको हाइट ये पता चल गई कि हाइट है आपके पास 45, तो आप 45 क्या लेंगे, अबव ले लेंगे 45 mm, इस प्रकार सारी डायमेंशनिंग यहाँ पर mm में है। तो आप देखिए 45 mm आप इस तरीके से अबव यहाँ पर क्या ले लेंगे, हाइट ले लेंगे। अब यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि जब आपने हाइट ले ली, साइड से आपको यहाँ कितना जाना है, 25, कितना जाएंगे 25। तो आप देखिए बिल्कुल इसके पैरेलल में जाऊँगा इस प्रकार से, 25, कितना 25 आप जाएंगे, देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर गए 25 आप यहाँ पर गए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे एक यहाँ पर आपको ब्लॉक दिख रहा है, ये देखिए, और इस ब्लॉक की आपको जो है वो क्या नहीं दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ये हाइट है 15, फिर 15, तो 45 में से इनका जो सम है वो आप माइनस करेंगे तो आपके पास 15 आएगा, और यहाँ से आप कितनी हाइट देंगे इसे, 15 हाइट देंगे, कितनी हाइट देंगे आप इसे, 15 हाइट देंगे। देखिए इस तरीके से आपने 15 हाइट दी, और यहाँ पर इसको यहाँ पर इस तरीके से ले जाएंगे आप इस प्रकार, और यहाँ अबव से आप इस लाइन को नीचे लाएंगे जहाँ पर ये 25 था इस तरीके से यहाँ पर, और इन दोनों पॉइंट को आप इस तरीके से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले ये आपको दिख रहा है फ्रंट से, अब आप यहाँ को आप यहाँ फ्रंट से देखिए तो आपको सबसे पहले ये पोर्शन आपको दिखेगा, ये पोर्शन आपको दिखेगा, इसके बाद आपको ये ब्लॉक यहाँ पर दिखेगा फ्रंट व्यू से, टॉप से नहीं देख रहे हैं आप, फ्रंट से देख रहे हैं, तो आपको ये 15 यहाँ पर दोबारा हाइट दिखेगी इस तरीके से। तो मैं 15 एक बार दोबारा हाइट यहाँ पर ले रहा हूँ 15, और फिर यहाँ पर इसको क्या कर दूँगा, ऊपर चले जाऊँगा इस तरीके से, देखिए ये हो गया। इसके बाद आप देखिए दोबारा 15 आपको हाइट लेनी है, क्योंकि आपको फ्रंट व्यू में केवल हाइट और लेंथ देखनी है। तो देखिए आप 15 दोबारा हाइट जाएंगे तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर देंगे, देखिए ये देखिए, और इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ज्वाइन कर लूँगा।
तो यही चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू में शो होंगी। केवल ये देखिए, यही आपको फ्रंट से दिखाई देगा। ये पोर्शन देखिए, मैं इसको यहाँ पर शेडेड करता हूँ, फिर आप देखिए यही आपको फ्रंट से दिखाई देगा। तो यहाँ देखिए आप, जिस एरिया पर मैंने यहाँ पर शेड किया है, जिसमें मैंने हैचिंग की है, जिसको आप हैचिंग बोलते हैं, वो एरिया आपका क्या है, फ्रंट व्यू शो कर रहा है, वो आपको फ्रंट से ही दिखाई देगा। देखिए जो एरिया आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से, ये आपको केवल फ्रंट से ही विजिबल होगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपने यहाँ पर जिस एरिया को मैंने यहाँ पर शेडेड किया, वही आपने यहाँ पर ड्रॉन भी किया है। तो ये हो गया आपके पास फ्रंट व्यू। अब आप देखिए, जब आप इसका टॉप ड्रॉ करेंगे तो आप इसके प्रोजेक्शन को क्या करेंगे, देखिए टॉप आप यहाँ देखिए जो जेड है, और यहाँ पर आप देखिए ये आपका टॉप व्यू है, ये आपका टॉप व्यू। देखिए टॉप व्यू में आप यहाँ पर लेंगे लेंथ और विड्थ, टॉप व्यू में आप देखते हैं लेंथ एंड विड्थ। तो आप देखिए लेंथ तो आपको यहीं से आपको मिल जाएगी, देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से ये जो प्रोजेक्शन आप नीचे ले जाएंगे, देखिए ये देखिए इस तरीके से ये जो प्रोजेक्शन आपने नीचे ले लिए हैं, यहाँ से आपको इसकी लेंथ मिल गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे लेंथ ऑफ दी ऑब्जेक्ट। देखिए ये यही लेंथ है, इसको आप थोड़ा डार्क लाइन से बनाएंगे। देखिए जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप डार्क लाइन से बनाएंगे, जो आपने प्रोजेक्शन लिए हैं फ्रंट व्यू से इसको आप लाइट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। देखिए हल्के से आप इसको शो करेंगे, देखिए इस तरीके से हल्के से आप इसे शो करेंगे। तो आप देखिए लेंथ तो आपको पता चल गई, अब आप विड्थ देखिए, विड्थ कितनी है, तो 75 इज़ विड्थ, विड्थ इज़ 75, विड्थ कितनी है आपके पास 75। तो आप देखिए 75 आप नीचे आएंगे इस तरीके से, देखिए 75 इस प्रकार, मैं यहाँ पर नीचे आ रहा हूँ, मैं इसको नीचे करता हूँ, आपको विजिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए हम कितना नीचे आ गए हैं, 75 यहाँ पर नीचे आ गए हैं। ये देखिए इतना, ये जो हमारा पोर्शन है ये कितना है, 75 है। देखिए ये कितना है, 75। अब आप देखिए यहाँ आपने 75 तो ये अब नीचे ले लिया, अब देखिए 75 से यहाँ हम कितना बढ़ेंगे, तो यहाँ आप देखिए 25 हम बढ़ेंगे, कितना 25 आपको दिखेगा। तो यहाँ जो है वो मैं कितने का ड्रॉ करूँगा, 25 को ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। आप देखिए बिल्कुल इसके पैरेलल कितना 25 यहाँ पर देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे 25 मैंने ड्रॉ कर दिया, ये आप समझ चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ से हम कितना अबव जाएंगे, देखिए यहाँ से अब हम कितना यहाँ से अबव जाएंगे, यह आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी जो आपके पास लेंथ है ये वाली कितनी है, 75। आप देखिए यहाँ पर ये 25 है, ये 25 है, तो ये भी कितना होगा, 25 होगा, कितना होगा, 25 होगा। तो आप देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आप 25 तक इस तरीके से अबव जाएंगे। देखिए इस प्रकार आप देखिए हम अबव जाएंगे, ये आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट में, और इसको इस तरीके से देखिए ड्रॉ करेंगे एज इट इज़, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ देखिए इस प्रकार, ये देखिए ऐसा ही आपको देखिए अभी टॉप से दिख रहा है। ये देखिए ये पोर्शन जो है, इसमें देखिए मैं पॉइंट पॉइंट से आपको शो कर रहा हूँ, ये पोर्शन आपका टॉप व्यू है, ये पोर्शन आपका टॉप व्यू है। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, फिर इसके बाद आपको ये भी दिखेगा टॉप से देखने पर इस तरीके से, देखिए और ये पार्ट भी आपको विजिबल होगा, ये टॉप से आपको देखने पर मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए टॉप की जो विड्थ है ये कितनी है, 25 25, लेंथ सेम है। तो देखिए लेंथ यदि सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम यहाँ पर लेंथ तो नीचे तक आ जाएगी इसकी, देखिए सेम इस प्रकार, देखिए लेंथ इज सेम, ये देखिए लेंथ सेम हो गई आपकी। और इसके बाद आप देखिए 25 का आप एक यहाँ पर ब्लॉक आपने पहले ही बना रखा है, एक 25 का ब्लॉक आप और ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इस लाइन को यहाँ पर मिला देंगे। तो ये जो व्यू है आपका, ये आपका टॉप व्यू है। ये कौन सा व्यू बनाया हमने यहाँ पर, टॉप व्यू, कौन सा व्यू बनाया, टॉप व्यू बनाया। तो यहाँ पर आप दो व्यूज़ को ड्रॉ कर चुके हैं, एक तो फ्रंट व्यू, ऊपर मैं लिख देता हूँ VP, और नीचे मैं लिख रहा हूँ HP, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप टॉप व्यू बनाते हैं हमेशा। अब आपको साइड व्यू बनाना है, क्या ड्रॉ करना है आपने, साइड व्यू। तो देखिए अब आप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इससे थोड़ी दूर एक x डैश या y डैश आप इसको लाइन बोल सकते हैं, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे x डैश एंड y डैश यहाँ पर। देखिए अब आपको पता है आपने क्या ड्रॉ करना है, साइड व्यू, यू हैव टू ड्रॉ साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है ऑब्जेक्ट का, तो मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट का साइड व्यू। आप यहाँ देखिए सबसे पहले, जब आप ऑब्जेक्ट को साइड से देखेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन देखिए,
ये वाला इस तरीके से मैं इसको शो कर रहा हूँ, तो ये आपको इस तरीके से शो होगा, ये पोर्शन आपको यहाँ पर शो होगा इस प्रकार, एंड ये पोर्शन आपको यहाँ पर शो होगा। देखिए यही पोर्शन आपको शो होगा साइड से देखने पर। तो आप देखिए साइड व्यू को देखिए, जब हम बनाएंगे तो आप देखिए यहाँ से देखिए साइड में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हाइट देखिए, एक लम यहाँ पर हाइट ऊंचाई और एक यहाँ पर चौड़ाई। तो देखिए जो हाइट है वो हम लेंगे फ्रंट व्यू से, किस व्यू से लेंगे, फ्रंट व्यू से। तो इस प्रकार यहाँ से हम प्रोजेक्शन दे रहे हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको प्रोजेक्शन देंगे और यहाँ पर हाइट जो है वो हम मिल जाएगी। देखिए ये हमें हाइट मिल गई, क्या मिल गई, हाइट मिल गई साइड व्यू के लिए। परंतु यहाँ पर आपको क्या चाहिए, साइड व्यू चाहिए, क्या चाहिए साइड व्यू। तो यहाँ पर आपको विड्थ भी चाहिए, क्या चाहिए विड्थ, जिसे आप चौड़ाई कहते हैं। तो देखिए चौड़ाई जब आप लेंगे, देखिए यहाँ से तो चौड़ाई आप लेते हैं टॉप व्यू से, कहाँ से टॉप व्यू से। देखिए टॉप व्यू के यहाँ पर मैं हल्के हल्के प्रोजेक्शन यहाँ एक्स डैश वाई डैश लाइन तक ले जा रहा हूँ। यहाँ देखिए आप इस तरीके से देखिए हल्के हल्के प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, कहाँ ले जा रहा हूँ मैं, इस एक्स डैश और वाई डैश लाइन तक। ये बहुत ही हल्के में लाइट प्रोजेक्शन को ले गया हूँ। अब आप देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर ये जहाँ पर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पॉइंट मिल रहा है, वो पॉइंट आप इसको कंसीडर करिए। इसके बाद आप देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्रकार को खोलेंगे इस तरीके से, प्रकार खोलेंगे और जो ये पॉइंट्स आपके आए हैं यहाँ से आप क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। देखिए इस प्रकार से आप आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ देखिए ये यह आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आर्क ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप आर्क ड्रॉ करेंगे इनके प्रोजेक्शन को लेकर। देखिए इस तरीके से आपने यहाँ पर आर्क ड्रॉ किए, यहीं से आपको विड्थ मिलेगी, क्या मिलेगी विड्थ, यहाँ से आप क्या लेंगे विड्थ लेंगे। तो देखिए ये आपने यहाँ पर ले लिया और इन प्रोजेक्शंस को अब आप यहाँ पर क्या पहुँचाइए, ऊपर पहुँचा देंगे। देखिए इस तरीके से मैं इसके प्रोजेक्शन पहुँचा रहा हूँ, ये देखिए, और इस लाइन को जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये देखिए, इसको आप इस विड्थ तक पहुँचा दीजिए, ये विड्थ आपने पहुंचा दी है। अब आप देखिए इतना आपने ड्रॉ कर दिया, अब आप देखिए साइड में आपको क्या यहाँ पर विजिबल होगा, ये देखिए साइड व्यू है तो आप यहाँ पर देखिए आपको साइड में क्या विजिबल होगा वो आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ से आपने हाइट ले ली और यहाँ से आपने विड्थ ले ली, कहाँ से टॉप व्यू से। तो अब आप यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले जो प्रोजेक्शंस हैं यहाँ के प्रोजेक्शन भी आपको इस लाइन पर मिलाने हैं, ये प्रोजेक्शन जो है ये भी आप यहाँ पर मिला लेंगे। देखिए ये वाले प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन भी आप यहाँ पर ज़रूर ही मिलाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे तो आपको एक ब्लॉक दिखेगा, पूरा क्लोज ब्लॉक दिखेगा। तो इस ब्लॉक को आप देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ये कितना दिखेगा, ये पार्ट आपको यहाँ पर स्टेप्स यहाँ पर आपको शो होंगे साइड व्यू में। तो सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए कितनी है, तो आपको पता है 25, ये 25, तो ये कितना होगा 25, ये कितना होगा आपके पास 25 होगी। तो आप देखिए यहाँ से आप कितना जाएंगे, देखिए 25, देखिए यहाँ से मैं 25 जाता हूँ इस तरीके से, ये देखिए ये गया मैं 25। इसके बाद आप एक स्टेप नीचे उतरते हैं, कितनी हाइट में, 15 हाइट में, कितनी हाइट में उतरेंगे 15 हाइट में उतरेंगे, ये देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो आपने प्रोजेक्शन लिए थे वो सेम यहाँ पर आपके मिल रहे हैं, सेम प्रोजेक्शन आपके यहाँ पर मिल रहे हैं। फिर आप देखिए यहाँ से आप 25 जाएंगे, कितना 25, तो फिर आप यहाँ पर 25 यहाँ, ये देखिए ये प्रोजेक्शन आपका मिल गया इस तरीके से, ये देखिए एक और स्टेप आपने ड्रॉ कर दी। इसके बाद आपको कितना नीचे आना है 15, फिर आप 15 नीचे आएंगे, देखिए कितना 15 आपको पर नीचे आना है, देखिए 15, फिर आप देखिए ये प्रोजेक्शन आपकी यहाँ पर मिल जाएगी इस तरीके से, ये प्रोजेक्शन भी आपकी यहाँ पर मिल गई। इसके बाद आप देखिए फिर आप कितना जाएंगे 25, फिर आप यहाँ पर 25 जाएंगे, देखिए कितना जाएंगे 25 जाएंगे, देखिए इस तरीके से, और इसको आप ऊपर ज्वाइन कर लेंगे यहाँ, देखिए इस प्रकार आपको ये स्टेप्स दिखेंगे। परंतु आपको ये पार्ट भी यहाँ पर शो होगा, और ये पार्ट अगर शो होगा तो आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा, इसको पूरा आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा इस तरीके से, या आपको यहाँ पर ब्लॉक ड्रॉ करना है, या आपको यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे ब्लॉक ड्रॉ करेंगे, देखिए इस प्रकार आप क्या करेंगे ब्लॉक ड्रॉ कर देंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पर साइड व्यू भी
टोटल जो है प्रोजेक्शंस के साथ ही, देखिए प्रोजेक्शन यहीं मिलेंगी, देखिए ये सेम यहाँ पर आपकी प्रोजेक्शन मिलेंगी इस प्रकार से आप दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए फ्रंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ देखिए फ्रंट व्यू, इस तरीके से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। देखिए आप कह रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड व्यू है, लेफ्ट से आपको दिख रहा है पर आप इसे राइट में बनाते हैं, तो है तो ये लेफ्ट साइड व्यू, बस इसे आप राइट हैंड साइड में बनाएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो दो व्यू ये हो गए, और सबसे नीचे वाला जो व्यू है हमारे पास, जो सबसे नीचे आप यहाँ पर व्यू दिख रहे हैं फ्रंट व्यू के नीचे, ये आपके पास है टॉप व्यू। दिस इज व्यू इज, दिस व्यू इज टॉप व्यू, ये आपके पास हो गया टॉप व्यू। तो यहाँ पर आपने देखिए ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल में बना लिया। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप आप देखिए डायमेंशनिंग, आप यहाँ पर डायमेंशन को शो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट जो ये है फ्रंट व्यू, इसको डायमेंशन देते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लेंथ शो हो रही है, तो लेंथ को आप यहाँ पर डायमेंशनिंग में शो करेंगे 100 mm। सबसे पहले आप शो करेंगे लेंथ को 100 mm, इस तरीके से यहाँ पर देखिए मैं लिख दूंगा 100 mm, कितना लिखूंगा देखिए यहाँ पे 100, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया 100। इसके बाद आप देखिए आपको यहाँ पर हाइट दिख रही है, तो हाइट को आप यहाँ पर शो कर दीजिए, या इस तरीके से ही शो करेंगे, यहाँ पर भी आप शो कर सकते, कहीं पर भी आप जो है इस तरीके से हाइट को शो कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपने हाइट ली थी 45, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 45, ये हाइट हो गई। एक एक डायमेंशन, ये 25 है तो ये आप 25 यहाँ पर देंगे, कितना 25 है तो ये आप कितना देंगे यहाँ पर 25 देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 25, इस प्रकार ये लेंथ भी आप यहाँ पर शो करेंगे 15 15 15, ये जो है ये जो स्टेप्स हैं आपकी 15 15 15, इनको भी आप शो कर सकते हैं। देखिए मैं इनको साइड में शो करता हूँ, क्योंकि ये डायमेंशन जो है फ्रंट और यहाँ पर उसमें साइड में सेम डायमेंशन है। देखिए ये जो डायमेंशन है आपकी क्या है, सेम है, देखिए फ्रंट और साइड में, तो इस तरीके से आप इसको शो करें। यहाँ पर 15 15 15 आप यहाँ पर शो करें, कितना 15 15 एंड 15, इस प्रकार देखिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 15 1 5, यहाँ पर भी 1 एंड 5, यहाँ पर भी 1 एंड ये आपका 5, इस तरीके से हम यहाँ पर डायमेंशन को शो करेंगे साइड में भी। अब आप यहाँ टॉप व्यू में देखिए कि टॉप व्यू में आप जो है डायमेंशन को कैसे शो करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इसकी विड्थ है ये कितनी 75, वो क्वेश्चन में आपको दिख रही है कि ये कितनी है 75, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वो आपको देख कर समझनी है विड्थ क्या है, हाइट क्या है, यहाँ पर लेंथ क्या है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 75, यहाँ से आपके पास ये लेंथ भी आ गई, क्योंकि यही लेंथ जो है यहाँ पर 75 है, देखिए यही लेंथ यहाँ पर क्या है 75 है। आप यहाँ पर ये इन जो स्टेयर्स हैं यहाँ पर इनकी 25 25 25 लेंथ को भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। देखिए ये हो गया आपके पास इस तरीके से डायमेंशनिंग आप करेंगे यहाँ पर इस प्रकार, यहाँ पर मैं लिख दूँगा 25 25 एंड 25। ये लेंथ इसकी भी 100 है, तो ये आपको शो करने की आवश्यकता नहीं, ये 75 आपने यहाँ पर शो कर दिया है, ये स्टेयर्स आपने यहाँ पर शो कर दिए। तो इस प्रकार से आप ड्रॉ करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसी भी पिक्टोरियल व्यू का। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जानेंगे कि किसी भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंजीनियरिंग वीडियोज़। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू वेरी मच।